की 75 वर्षीय महिला की चंद्रपुर जिले में कोरोना से मृत्यु हुई। कोरोना मृत्यु की नोन तेलंगाना राज्य में होने का स्पष्टीकरण प्रशासन ने दिया। तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद जिले के निवासी 75 वर्षीय महिला का निधन हुआ। इस महिला को रात देर 12:30 के करीब मेडिकल महाविद्यालय अस्पताल में निजी अस्पताल से दाखिल कराया गया था। यह महिला तेलंगाना की मूल निवासी होने से इस महिला की मृत्यु की नोंद चंद्रपुर के कोरोना बाधित के तौर पर नहीं होगी, ऐसा जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है। जिला प्रशासन ने इस संदर्भ में शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अस्पताल के वैद्यकीय अधीक्षक की ओर से जारी किए गए अधिकृत प्रेस नोट में उक्त महिला यह तेलंगाना राज्य से 21 जुलाई को चंद्रपुर के एक निजी अस्पताल में दाखिल होने का स्पष्ट किया। 21 जुलाई को दाखिल किए महिला को श्वसन संदर्भ में समस्या थी, साथ ही यह महिला ब्लड प्रेशर की भी मरीज थी। निजी अस्पताल में रहते इस महिला का स्वैब 22 जुलाई को लिया गया। इस नमूने में अहवाल 23 जुलाई को रात 9:30 बजे पॉजिटिव आया। 23 जुलाई की रात इस महिला को वैद्यकीय महाविद्यालय अस्पताल में गंभीर हालत में दाखिल किया गया। इस स्थान उस पर वैद्यकीय उपचार किए गए, लेकिन 24 जुलाई को ही उसकी मृत्यु हुई। उक्त महिला मरीज का मूल पता तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद जिले के जयनड इस गांव का है, जिससे उसकी मृत्यु की नोंद चंद्रपुर जिले के कोरोना बाधित के तौर पर नहीं होगी, ऐसा स्पष्टीकरण डॉक्टर भास्कर सोनारकर ने अपने अधिकृत प्रेस नोट में स्पष्ट किया है। उसकी मृत्यु की नोंद आदिलाबाद तेलंगाना में होने का स्पष्ट किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी डॉक्टर भास्कर सोनारकर ने दी। चंद्रपुर जिले में अब तक 336 पॉजिटिव की नोंद हुई है। जिले में सौभाग्यवश अभी तक एक भी कोरोना मृत्यु की नोंद नहीं है। जिले में हाल में बड़े पैमाने पर जांचनी शुरू होकर संदेहास्पद मरीजों को जल्द ही वैद्यकीय उपचार मिले, इसके लिए प्रयास शुरू है। आज दिनांक 24 जुलाई रोजी पहाटे 2:30 कोरोना बाधित 75 वर्ष महिलेचा मृत्यु शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय येथे झालेला आहे। सदर महिला यांचा आदिलाबाद तेलंगणा राज्य येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होता। त्यांना दिनांक 21 जुलै रोजी चंद्रपूर येथील खासगी मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले होते। त्यांचा कोविड-19 साठी स्वॅब नमुना 22 जुलै रोजी घेण्यात आला होता व स्वॅब नमुन्याचा रिपोर्ट दिनांक 23 जुलै रोजी रात्री 9:30 प्राप्त झाला। त्यानंतर सदर रुग्णाला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालय चंद्रपूर येथे रात्री 12:30 दाखल करण्यात आले। सदर महिलेची प्रकृती अतिशय चिंताजनक होती व त्यांच्यावर शर्थीचे प्रयत्न करण्यात आले होते। उपचारादरम्यान दिनांक 24 जुलै रोजी पहाटे 2:30 त्यांचा मृत्यू झाला। सदर महिला रुग्ण जैनद आदिलाबाद तेलंगणा राज्यातील असून त्यांची मृत्यूची नोंद चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरोनाबाधित म्हणून होणार नाही। त्यांच्या मृत्यूची नोंद कोरोना बाधित मृत्यू आदिलाबाद तेलंगणा राज्य अशी होणार आहे। तेलंगणा राज्य के आदिलाबाद जिले के निवासी 75 वर्षीय महिला का निधन हुआ। इस महिला को रात देर 12:30 के करीब मेडिकल महाविद्यालय अस्पताल में निजी अस्पताल से दाखिल कराया गया था। यह महिला तेलंगाना की मूल निवासी होने से इस महिला की मृत्यु की नोंद चंद्रपुर के कोरोना बाधित के तौर पर नहीं होगी, ऐसा जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है। जिला प्रशासन ने इस संदर्भ में शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय अस्पताल के वैद्यकीय अधीक्षक की ओर से जारी किए गए अधिकृत प्रेस नोट में उक्त महिला यह तेलंगाना राज्य से 21 जुलाई को चंद्रपुर के एक निजी अस्पताल में दाखिल होने का स्पष्ट किया। 21 जुलाई को दाखिल किए महिला को श्वसन संदर्भ में समस्या थी, साथ ही यह महिला ब्लड प्रेशर की भी मरीज थी। निजी अस्पताल में रहते इस महिला का स्वैब 22 जुलाई को लिया गया। इस नमूने में अहवाल 23 जुलाई को रात 9:30 बजे पॉजिटिव आया। 23 जुलाई की रात इस महिला को वैद्यकीय महाविद्यालय अस्पताल में गंभीर हालत में दाखिल किया गया। इस स्थान उस पर वैद्यकीय उपचार किए गए, लेकिन 24 जुलाई को ही उसकी मृत्यु हुई। उक्त महिला मरीज का मूल पता तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद जिले के जयनड इस गांव का है, जिससे उसकी मृत्यु की नोंद चंद्रपुर जिले के कोरोना बाधित के तौर पर नहीं होगी, ऐसा स्पष्टीकरण डॉक्टर भास्कर सोनारकर ने अपने अधिकृत प्रेस नोट में स्पष्ट किया है। उसकी मृत्यु की नोंद आदिलाबाद तेलंगाना में होने का स्पष्ट किया गया है। इस संदर्भ में जानकारी डॉक्टर भास्कर सोनारकर ने दी। अंतिम संस्कार के लिए रिश्तेदार अनुपस्थित होने से कोरोना बाधित के मृतदेह पर महानगर पालिका कर्मचारियों की ओर से अंतिम संस्कार किया गया।